नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का यूनिवर्सिटी यात्रा के इस अगले एपिसोड में, जहां हम लोग बातचीत करने वाले हैं दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी DTU के बारे में। इस यूनिवर्सिटी में आपको BA ऑनर्स, इकोनॉमिक्स BBA और BSc MSc इंटीग्रेटेड के कोर्सेज देखने को मिलेंगे। BBA के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है, 25 जुलाई तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे, जिसके बारे में पूरा एडमिशन प्रोसेस मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा बताऊंगा। BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स का भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं शुरू हुआ है और BSc MSc इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो है वो 2024-25 एकेडमिक सेशन से ही शुरू हो रहे हैं। इसके पहले इनके पास दो कोर्सेज CUT के थ्रू थे, BBA और BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए। ये यूनिवर्सिटी आपकी काफी पुरानी यूनिवर्सिटी है, 1941 की यूनिवर्सिटी, इसको पहले दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से फेमस थी। अब ये यूनिवर्सिटी जो है यहां पर बीटेक का कोर्स जो है वो काफी इसका फेमस है, लेकिन उसमें जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन होता है, CUET के थ्रू एडमिशन नहीं होता। इनके पास UG के लेवल पे और भी कोर्सेज हैं, लेकिन हमारे CUET के लिए BSc MSc इंटीग्रेटेड, BBA, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, इतने ही कोर्सेज हमको यहां पर CUET के थ्रू देखने को मिलेंगे, जिसमें इन्होंने BBA का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी शुरू कर दिया। तीन यूनिवर्सिटीज हैं जो कि BBA की काउंसलिंग एक साथ करवाती हैं। एक तो यहां पर आपका DTU है, दूसरा आपका यहां पर NSUT है और तीसरा यहां पर IGDTU है। एक इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो जाएगी, एक नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाएगी। टोटल ये तीन यूनिवर्सिटीज हैं जो कि अपने BBA की एक कॉमन काउंसलिंग करवाती हैं। किस तरीके का क्या प्रोसेस है, पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, पूरा एडमिशन प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और साथ ही साथ इस यूनिवर्सिटी के बारे में भी हम लोग सारी बातचीत करेंगे, वो सीट से रिलेटेड हो, रिजर्वेशन से रिलेटेड हो, फीस स्ट्रक्चर, हॉस्टल फैसिलिटी, एवरीथिंग, सब कुछ आप यहां पर देख रहे होगे, सुन रहे होगे, जान रहे होगे। अच्छी यूनिवर्सिटी है, दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा यहां पर बेहतर होगी। मैं इसलिए बोल पा रहा हूं ये बात क्योंकि 85% सीट्स जो होंगी वो सिर्फ दिल्ली के बच्चों के द्वारा भरी जाएंगी, 15% सीट्स पे ही दिल्ली के बाहर के बच्चों का रिजर्वेशन होगा, 15% सीट्स जो होंगी वो दिल्ली के बाहर वाले बच्चों के लिए होंगी। समझ गए ये पूरी बात? अब ध्यान से एक एक चीजों का यहां पर सुनिएगा और देखिएगा। यहां पर सबसे पहले कुछ फोटोज हो गई, अब यहां पर ध्यान सुने, ये आपके यहां पर दिल्ली में है और 1941 की बनी हुई है। पहले यहां पर दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इसको बोलते थे, स्टेट यूनिवर्सिटी है। इस वेबसाइट पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ए ग्रेड की इसकी यहां पर रेटिंग है और NIRF में इसकी 61st यहां पर रैंक है। अब एक बार मैं पहले कोर्सेज बता देता हूं, तो मैंने पहले बता दिया BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स और BBA का कोर्स और फिर इंटीग्रेटेड BSc MSc का इसी साल से इंट्रोड्यूस हो रहा है 2024-25 से, इसीलिए इसके बारे में आपको इसकी फीस स्ट्रक्चर, सीट मैट्रिक्स, ये सब आपको अभी नहीं पता चलेगा क्योंकि अभी तक यूनिवर्सिटी ने रिलीज नहीं किया है। लेकिन इन दो कोर्सेज के बारे में आपको डिटेल में सब कुछ बताऊंगा, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स और BBA के बारे में। BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स में अगर आप देखोगे तो यहां पर इन्होंने बताया क्या यहां पर इनके लिए CUET की रिक्वायरमेंट्स है, मैथमेटिक्स डोमेन और कोई दो सब्जेक्ट आपको यहां पर जो है वो डोमेन से ले लेना है। अल्टीमेटली टोटल तीन डोमेन आपको लेना है, तीन डोमेन में एक मैथमेटिक्स कंपलसरी है और इन्होंने कहा है कि प्लस एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम दिस सेक्शन वन है, या यहां पर आप जो कोई एडिशनल सब्जेक्ट सेक्शन टू से ले सकते हो इसके एवेज में। मतलब बात यह हो गई यहां पर कि आप ऐसा कर सकते हो कि तीन डोमेन ले लीजिए, तीन में से एक मैथमेटिक्स पक्का रहना चाहिए और एक लैंग्वेज का आप यहां पे पेपर दियो, या आप लैंग्वेज की जगह पर जो है वो कोई दूसरा सब्जेक्ट डोमेन में से ले ले, मतलब इसी सेक्शन टू, टोटल आपके चार डोमेन हो जाएगी। फिर दो ऑप्शन आपके पास, या तो यहां पर है कि मैथमेटिक्स प्लस कोई दो डोमेन, या आपके पास ऑप्शन है मैथमेटिक्स प्लस तीन डोमेन, आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, मैथमेटिक्स प्लस दो डोमेन प्लस एक लैंग्वेज, या तो एक ऑप्शन ये है या मैथमेटिक्स प्लस तीन डोमेन, यही आपके पास यहां पर दो ऑप्शंस होंगे BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए। अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो इन्होंने 12th में क्या क्राइटेरिया रखा है, इन्होंने ये रखा है कि आपका 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपके 12th बोर्ड में जरूर होना चाहिए। ओबीसी वाले बच्चों को 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, SC ST PWD बच्चों को यहां पर जो है वो 10% का रिलैक्सेशन जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। अब अगली बात करते हैं BBA के लिए, इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट से आपके मेरिट बनेंगे, लेकिन यहां पर
अभी आगे मैं बताऊंगा कि इनका जो प्रोसीजर है वो अलग है। ये इंग्लिश को यहां पर 25% का वेटेज देंगे, 75% वेटेज आपके जनरल टेस्ट को दिया जाएगा। आगे मैं इसके बारे में आपसे डिटेल में बातचीत करूंगा। अब यहां पर वही 50% का और रिलैक्सेशन वही आपके 5 और 10% का है, और यहां पर इन्होंने बस एक चीज यहां पर कंपलसरी किया कि 50% रहेगा प्लस आपके 12th बोर्ड में इंग्लिश सब्जेक्ट होना कंपलसरी है, ठीक है, पास्ट इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन द 12th बोर्ड एग्जामिनेशन, ये आपका कंपलसरी यहां पर, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग इंटीग्रेटेड कोर्सेज की बातचीत करते हैं तो सबसे पहला यहां पर आता है आपका फिजिक्स में, तो फिजिक्स के लिए क्या इन्होंने बताया, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी या आपका यहां पर जो है आपका मैथमेटिक्स, ठीक है, तो वही और इंग्लिश आपका, मतलब तीन डोमेन हो गया, पीसीएम या पीसीबी प्लस यहां पर आपका जो है वो इंग्लिश सब्जेक्ट, ये आपको इतने सब्जेक्ट का यहां पर डोमेन्स आपकी मेरिट यहां पर बनेगी, ठीक है। अब इसके देखो यहां पर इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने यहां पर ये बताया है कि आपका जो क्लास 12th में वही 50% और 45% जो है वो यहां पर इन्होंने रिलैक्सेशन दे दिया है, बाकी वही 50% है आपका यहां पर, ठीक है। इसके बाद दूसरे सब्जेक्ट की बात करें, अगर हम लोग केमिस्ट्री की बातचीत करें तो सेम यहां पर इन्होंने सब में वही एक ही क्राइटेरिया रखा है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, फिर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी में से कोई एक, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स में कोई एक, और यहां पर आपका जो है वो इंग्लिश यहां पर आपका, ठीक है, ये समझ गए आप पे। और फिर इन्होंने ये बता दिया है वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आपका सेम ही है। बायोटेक्नोलॉजी की बातचीत करेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी में भी यहां पर वही है आपका सेम, पीसीएम या पीसीबी प्लस इंग्लिश आपका यहां पर ऐड होगा। 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी इन इकोनॉमिक्स की अगर हम बातचीत करें तो अकाउंटेंसी, फिजिक्स, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, कितना डोमेन हो गया भाई, ये तो बहुत ज्यादा सब्जेक्ट हो गए यहां पे, 1 2 3 4 5 6 नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ये इनका कहने का जो मतलब है मुझे ऐसा लग रहा है, इन्होंने स्पष्ट तो नहीं किया है, लेकिन इनमें से कोई आपको 3 सब्जेक्ट लेना होगा, ठीक है, अकाउंटेंसी, फिजिक्स, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश में से कोई 3 सब्जेक्ट होगा यहां पर आपका, या तो 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज होगा यहां पर, ठीक है, क्योंकि ये सब मोस्टली जो है वो डीयू के ही पैटर्न पर चलते, तो ये गलत तरीके से लिखा गया है यहां पर भी, ये लिख के इन्होंने ETC लगा दिया, तो वही मतलब है कि 3 डोमेन प्लस 1 यहां पर लैंग्वेज की बात होगी। और इस कोर्स के बारे में आपको डिटेलिंग तभी पता चलेगी जब यूनिवर्सिटी रिलीज करेगी, चूंकि ये पहली बार आ रहा है तो अभी बहुत ज्यादा डिटेलिंग जो है इन्होंने नहीं दिया है। बहुत ज्यादा डिटेलिंग की बात करेंगे तो हमारे पास 2 कोर्सेज के लिए मिलेगा, एक यहां पर BBA कोर्स के लिए और एक यहां पर BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। अब चलो मैं शुरुआत करता हूं, BBA कोर्स का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इनका जो है वो शुरू हो चुका है, उसकी अगर मैं आपको वेबसाइट दिखाऊं तो ये है आपकी वेबसाइट, मैंने पहले ही बताया कि 3 यूनिवर्सिटीज की एक साथ यहां पर काउंसलिंग होती है, वो यहां पर लिखा गया है, इंदिरा गांधी टेक्निकल दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर द वुमेन, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये 3 यूनिवर्सिटी है। यहां पर जो BBA रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करते हो तो यहीं पे आपकी पूरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो होती है वो चलती है, ठीक है, तो ये लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लीजिएगा। फिलहाल यहां पर कुछ डेट्स का खेल देख लीजिए क्या है, यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो 27 जून से ही शुरू है, इन्होंने लिख दिया 17 जुलाई लास्ट डेट है, लेकिन इसको बढ़ा के 25 जुलाई जो है वो कर दिया गया, तो आप 25 जुलाई तक यहां पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फिर अब सीधी सी बात है, वो डेट बढ़ गई तो बाकी डेट्स का कोई मतलब नहीं, ये सब भी यहां पर बढ़ चुकी है। अब यहां पर आप एक चीज देख पा रहे होगे, फीस लिख रहा है 1 लाख रुपए, इनके फी स्ट्रक्चर हाई है, साल की आप मान के चलो 1,10,000 1,20,000 रुपए फीस इनकी पर ईयर पड़ती है, ठीक है, बाकी वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। अब यहां पर देखो इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, यही मैंने आपको बताया था कि यहां पर ये लैंग्वेज को 25% वेटेज देते हैं और जनरल टेस्ट का 75%, मतलब ये हुआ कि जो लैंग्वेज 200 नंबर का है जितना नंबर पा रहा होगा उसका 25% लिया जाएगा और 75% नंबर जो है वो आपके यहां पर जनरल टेस्ट का लिया जाएगा और फिर आपकी मेरिट यहां पर बनाई जाएगी। फिर इन्होंने ये भी बताया कि मान लीजिए अगर बराबर स्कोर आ गया तो इन्होंने कहा कि जिसका यहां पर जनरल टेस्ट में मार्क्स ज्यादा होगा उसकी रैंक यहां पर जो है वो ऊपर होगी, अगर जनरल टेस्ट में भी मार्क्स बराबर है तो इंग्लिश में जिसका ज्यादा होगा उसका लिया जाएगा, और अगर मान लो कि इंग्लिश सब में बराबर हो तो यहां पर जो एज में ओल्डर होगा उसकी रैंक हाई होगी, इस तरीके से यहां पर वो क्राइटेरिया इन्होंने यहां पर बताया है मेरिट बनाने का।
अब एडमिशन प्रोसेस देखो, आप सबसे पहला काम क्या करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे इस वेबसाइट पे जाके, जैसा कि मैंने अभी आपको यहां पर लिंक दिखाया था। ठीक है, यहां पर आपको 1500 रुपए जो होगी वो यहां पर रजिस्ट्रेशन की फीस लगने वाली होगी। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा रजिस्ट्रेशन के समय में वो एक बार यहां पर आप देख सकते हैं। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10-12 की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी, डिफेंस, सीयूटी, यूजी स्कोर कार्ड। तो ऑब्वियसली अभी आप रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने डेट को एक्सटेंड किया, और कोई बात नहीं यहां पर। ठीक, इसीलिए आप रिजल्ट आ जाए तब आप करोगे रजिस्ट्रेशन, तो आपके लिए बेटर है। यहां पर आप देखोगे तो रिजर्वेशन, जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला कि 85 पर दिल्ली के किसी भी, दिल्ली के कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी है उसका बेसिक रूल है ये, 85% सीट्स दिल्ली के बच्चों के लिए, 15% पे ही बाहरी बच्चे यहां पर आ सकते हैं। ठीक है, मतलब ये होता है कि अगर 100 सीट है तो दिल्ली के बच्चे तो 100 सीट पे हैं, 100 सीट पे फाइट कर रहे होंगे, लेकिन बाहरी बच्चे सिर्फ 15 सीट के लिए ही यहां पर फाइट करेंगे, यही मतलब होता है। ठीक है, और अगर हम लोग यहां पर सीट मैट्रिक्स की बातचीत करें तो सीट मैट्रिक्स के लिए यहां पर बीबीए और बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स का पीडीएफ मैंने यहां पर रख दिया है, वो आप यहां पर पीडीएफ के थ्रू जो सीट्स देख सकते हो, टोटल यहां पर आपके 120 सीट्स हैं यहां पे। ठीक है, 120 सीट्स हैं, और इसका मतलब आपको मैं एक बार समझा देता हूं, नहीं तो आप समझ भी नहीं पाओगे इसका मतलब क्या है। देखो ये लिखा क्या गया है, ध्यान से देखना एक एक चीज का मतलब यहां पर। ये जो जीएन मतलब जनरल हो गया, EW मतलब EWS, SC, ST कैटेगरी समझ गए, OB मतलब OBC हो गया। अब आगे देखिए यहां पे दूसरा जो GN, CW, PD ये क्या होता है। दूसरा GN का मतलब आपकी सब कैटेगरी, सब कैटेगरी। देखो यहां पे अगर आपकी कोई भी सब कैटेगरी नहीं है, सब कैटेगरी का मतलब ऐसा होता है कि जैसे कि आपसे पूछा जाता है फॉर्म भरते समय, आप कश्मीरी माइग्रेंट हैं कि नहीं है, आप कोई डिफेंस के जो है वो डिफेंस, मतलब आपके जो फादर मदर की कोई डिफेंस में नहीं है, मतलब जो आपका सब कैटेगरी होता है, सब कोटा होता है, वो यहां पर पूछ रहा है। या आप पीडब्ल्यूडी मतलब कोई डिसेबल्ड पर्सन, तो वो वाले जो कैटेगरी है वो यहां पे लिखा गया है कि कोई सब कैटेगरी नहीं है तो जीएन आपका डिनोट किया गया, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो पीडी, और डिफेंस है तो CW, तो वही यहां पर लिखा है। अब यहां पे मतलब देखना, पहला जीएन आप समझ गए यहां पर कि जनरल हो गया, दूसरा जीएन मतलब कोई सब कैटेगरी नहीं है, डी मतलब दिल्ली के बच्चे हो आप यहां पे। ठीक है, तो जीएन जीएन डी 37 हो गया। फिर यहां पर जीएन CW जो अभी आपको मैंने बताया यहां पे, और CW मतलब आप डिफेंस के लिए यूज किया जा रहा है, कितनी सीट है वो यहां पर मेंशन है। EWS के लिए देखोगे तो यहां पर है, अब जैसे यहां पर दिया गया OBGND, इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर OBC बच्चा है, कोई सब कैटेगरी नहीं, और दिल्ली का बच्चा है यहां पे। अब दिल्ली से बाहर के एक बार देख लेते हैं यहां पे, जैसे यहां पर आया कि GN GNO मतलब हो गया यहां पर जनरल कैटेगरी का बच्चा है, कोई सब कैटेगरी भी नहीं है उसकी, और दिल्ली के बाहर का है, तो उसके लिए मात्र 6 सीट है, आप अपने कैटेगरी हिसाब से देख सकते हो। अब जैसे कोई SC बच्चा है बाहर का, SC कैटेगरी के हो आप, जनरल कैटेगरी मतलब आपका कोई सब कोटा नहीं है, आउटसाइड दिल्ली के हो, वो मतलब आउटसाइड दिल्ली, तो आपकी टोटल यहां पर 3 सीट्स अवेलेबल हैं। समझ गए यहां पे। सेम तरीके से आप यहां पर बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स की भी देख सकते हो, चूंकि अभी ओपन है तो मैं एक ही बार में आपको दिखा देना चाहता हूं, थोड़ा सा मैं आपके लिए ब्राइटनेस डाउन कर दूं, नहीं तो दिक्कत हो रही होगी आपको। ठीक है, तो ये सब मैं PDF आपको दे दूंगा, आप आराम से यहां पर देख सकते हो। समझ गए ये बात। यहां पे पहला है जनरल EWS, उसके लिए दूसरा GN CW या PD, ये आपका यहां पर सब कोटा बताया जा रहा है। CW मतलब आप डिफेंस से हो, और यहां आप नहीं मतलब आपके फादर मदर कोई भी, ठीक है, और दूसरा PD का मतलब आप फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट हो। ठीक है, तो आपके लिए रिजर्व सीट कितनी वो बताई जाती है यहां पे। चलो सीट मैट्रिक्स मैंने आपको यहां पर बता दिया, फी स्ट्रक्चर एक बार देख लो यहां पे, 1,11,000 पहले साल में, दूसरे साल में 1,20,000, और तीसरे साल में 1,30,000। वैसे टोटल ये 4 साल का कोर्स है, लेकिन इन्होंने फीस स्ट्रक्चर जो 3 साल का दिया है। आप मोटे तौर पर मान के चलो 1,15,000-1,20,000 रुपए आपकी पर ईयर की फीस होगी यहां पे। ठीक है, बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स में देखेंगे तो 1,10,200, 1,16,200, 1,25,200 ये इनकी फी स्ट्रक्चर होगी, लेकिन ये कोर्स भी आपके 4 साल का होगा, वो अब 1 साल फीस आप यही सेम एक और ऐड कर सकते हो। सीट मैट्रिक्स मैंने आपको दिखा दिया यहां पे। इसका एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, अभी शुरू नहीं हुआ है, ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, वेबसाइट पर आपके आएगा, 1,500 रुपए यहां पर भी आपको रजिस्ट्रेशन फीस यहां पर लगने वाली है।
हॉस्टल फैसिलिटी देखें तो 10 बॉयज 3 गर्ल्स हॉस्टल आपको कैंपस मिलेगा, 2500 बच्चों की व्यवस्था है। कौन से हॉस्टल्स हैं वो भी यहां पर आपके लिए मेंशन किया गया है। हॉस्टल की फीस देखेंगे तो भैया वो भी यहां पर नॉन एसी एसी करके वो भी यहां पर आप देखोगे तो यहां पर हॉस्टल फीस अच्छी खासी आपको मिलेगी। और यहां पर आपके मेस की फीस मतलब खाने की मेस फीस जो होगी वो कितनी होगी वो भी देख लेंगे आप यहां पे। और ये 3480 रुपए पर मंथ है, 10 महीने का एक साथ एडवांस में ये ले लेते हैं तो 34,800 मेस का ले लेंगे। और मोटे तौर पे आप अगर नॉन एसी देखोगे तो 60,000 56,000 52,000 सिंगल सीटर डबल सीटर और ट्रिपल सीटर का है, 72,000 रुपए ट्रिपल सीटर एसी का यहां पर आपका, ठीक है। तो ये आपका फी स्ट्रक्चर हॉस्टल का। तो भैया पढ़ाई और रहने दोनों का खर्च आपको यहां पर महंगा पड़ने वाला है, ये बात तो यहां पर आप पूरी तरीके से श्योर हो सकते हैं, ठीक है। बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्सेज की डिटेल्स नहीं है, आप देख रहे हो किस तरीके से उसमें सीयूईटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तक ढंग से नहीं दी गई है, तो आप बाकी समझ सकते हो। यहां पे आप मोटे तौर पे यही मान के चलना 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज आपके यहां पे लगने वाली होगी उसमें, ठीक है। चल यही है सारी बातें, और अच्छी खासी यूनिवर्सिटी आपके लिए रहेगी और मिलने पर आपके लिए काफी बेटर ऑप्शन है, लेकिन ज्यादातर ये दिल्ली के बच्चों को ही यहां पर ये फेवर कर रही है, ठीक है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।